ठीक है, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे आप सब? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो भाई 300 किलोमीटर की जर्नी, जिसमें कि भाई तुम्हारा भाई आरसी पे राइड करके जाने वाला है। दोपहर के 3:30 यानी कि 4 बजने वाले हैं और मेरे को शाम से पहले पहुंचना है। तो क्या हम इस टारगेट को कम्प्लीट कर पाएंगे? तो आप लोग देखना कैसे कैसे तुम्हारा भाई फुली रश आज जाने वाला है। तो मैं तगड़े तगड़े से लिंच दिखाने वाला है। तो वीडियो भी बने रहना, वीडियो के अंत तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्रेम भाई को बाय बाय बोले। प्रेम भाई मेरे को नीचे छोड़ने आए थे फिलहाल के लिए। किलोमीटर 348 8 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, पर तुम्हारा भाई पहुंचेगा 4 घंटे में। तो भाई आज मैं दूसरे रूट से जाने वाला हूँ। जब मैं आया था तो मैं भिवाड़ी होके आया था, लेकिन इस बार मैं दोसा होते इधर वाले रूट से जाऊंगा। तो भाई अभी GoPro की बैटरी डिस्चार्ज हो रखी, तो मैं दूसरी बैटरी चेंज कर रहा हूँ। अभी हम लोग आ चुके पेट्रोल पे, तो यहाँ से पेट्रोल डलाएंगे। भाई बाइक का टैंक फुल करवाते हैं। फुल कर दो, फुल रिकॉर्ड करते रहते हैं सब। ठीक, तो मैंने ट्रिप कर दिया जीरो, पेट्रोल अपने डला लिया। तो देखेंगे इस बार पेट्रोल कितने किलोमीटर चलती है। वैसे हरियाली तो काफी आ रखी है और ये बारिश भी आ गई हरियाली के साथ ही। भाई बाइक को पार्क कर दिया मैंने यहाँ पे और इसको हेलमेट वगैरह को डालते हैं अंदर, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप वगैरह ज़्यादा सामान है। यहाँ पे देखो सब लोग खड़े हैं। आधे घंटे से थोड़ी तेज बारिश, दैट्स व्हाई मैंने बाइक को पार्क कर रखा है यहीं पे और मैं खड़ा हूँ भाई एक जगह पे। देख सकते हो बारिश आ रही है बहुत तेज। अभी तो फिर भी कम हो गई है, मेरा बैग वैग सब भीग गया भाई। यहाँ पे खड़ा था फिर भी ये देख सकते हो पूरा बैग भीग गया है, हालत ख़राब हो गई है। आज तो GoPro ऊपर अंदर डाल दिया है, उसमें भी पानी चला गया। सोच रहा हूँ यार उसमें पानी ज़्यादा चला जाएगा तो पचास साठ हज़ार का नुकसान हो जाएगा। चश्मा मैंने हटा दिया, लेंस मैंने डाल लिए हैं, क्योंकि यार पानी जो आता है ना उसकी वजह से आंखों में जो है बिल्कुल भी दिखता नहीं है, पूरा एकदम धुंध हो जाता है सब। अभी वेट ही कर सकता हूँ भाई, और तो क्या है, मेरे को ऑलरेडी 4:30 हो गए हैं यहाँ पे। पता नहीं भाई कैसे होगा क्या होगा। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ भरतपुर से आगे 200 बाईपास पे। तो ये अंदर जाता है भरतपुर के शायद, और मैं बाहर से भी बाईपास से जा रहा हूँ। तो इस साइड देखो यार 10-20 किलोमीटर आ गया और यहाँ पे ना बारिश की बूंद भी नहीं है भाई। और उस साइड देखो पूरा भीगा हुआ था, बैग वैग सब भीग गया था। अब जाके सुखाऊँ तो मैंने सोचा चलो अभी GoPro स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो हमें छोटे छोटे से बच्चे भी मिल गए, जो कि भाई वहाँ से इन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोले भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, सब सब्सक्राइब कर लेना जाके। ठीक है, क्या नाम है मेरे चैनल का? तो तुम्हें याद ही नहीं है, तुम कैसे सब्सक्राइब करोगे बताओ? अरे डरा नहीं रहा हूँ, मेरी बोली ऐसी है, मेरी खड़ी बोली है खड़ी। मैं बोल रहा हूँ कर लेना पसंद आए तो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है, थोड़े थोड़े स्टंट्स करता हूँ मैं। अभी बैग है वरना दिखा देता तुमको। ठीक है, बाय बाय। तो जो भी भाई मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, कैमरा हमेशा भाई मुँह पे रखा करो और ऑन रखा करो। मेरे लिए तो सेफ्टी है, जैसे ही बंद करता हूँ ना भाई हमेशा का रिकॉर्ड रहा आज तक, तो कुछ ना कुछ सीन होता ही है। तो भाई ये जो रास्ता जाता है ये जाता है अलवर के लिए। मेरे को जाना है भाई दोसा, तो मेरे को जाना था उल्टी साइड, इसके ऑपोजिट साइड। बट यहाँ पे मेरे को ऐसा शक हुआ कि लाइक इधर नहीं है, तो मैंने मैप पे चेक किया और भाई मैं उल्टा जाने वाला था। ये तो मैंने समय रहते देख लिया, वरना भाई आज तुम्हारा भाई अलवर पहुँच जाता, फिर मुझे हरियाणा होते हुए उधर से निकलना पड़ता। ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से हम जाएंगे। तो ये लो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ जयपुर वाले हाईवे पे, और यहाँ चढ़ने के बाद मुझे कहीं पे ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो। बट मेरे हो रही चाय पीने की इच्छा, तो कहीं ना कहीं पे चाय वगैरह पिएंगे यार, इन्जॉय करेंगे यार राइड को। देखो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में ऐसे मज़े ही मज़े हैं। ये पूरे खेत खलियान, एकदम खाली रोड, मस्त एकदम सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ दिन भर घूमता रहता हूँ, आवारगी करता रहता हूँ, और इसी का नाम है भाई ज़िंदगी, मज़े। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है, उसके चक्कर में मत पड़ना। यही है जो ज़िंदगी में है। 20-25 साल जितना आप निकाल सकते हो ऐसे ही लौंडियागर्दी करो, बढ़िया घूमो, मज़े बस इसी में है। बाकी शादी वादी कर ली, जॉब वगैरह चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद आपकी ज़िंदगी, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। मेरी तरह बर्बाद होना है, घूमना है, आवारा। तो भाई 200 बचा है 66 किलोमीटर, और भाई उससे पहले ना ये यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आता है जिसमें पहाड़ वगैरह हैं, तो यहाँ का काफ़ी प्यारा सा व्यू है। तो मैं सोचा भाई अपनी ऑडियंस को भी दिखा दूँ मैं। बाकी चाय की शॉप देखो थोड़ी दूर दूर है,
देखो दोस्तों, रोड किनारे बारिश की वजह से क्या बन रखा है खेतों का, पूरा एकदम पुलिया बन गया है यहाँ। ये घर डूब चुके हैं पानी में, देख सकते हो दोस्तों, ये तैर रहे हैं नदी में अभी। ये खेत पानी में है, पानी में खेत नहीं है, सॉरी खेतों में पानी नहीं है, पानी में खेत है। भाई आप समझदार हो, समझ लोगे। अरे भाई इधर क्या बाढ़ आ रखी है, पूरे चारों ओर पानी पानी भर रखा है भाई यहाँ पे। तो दोस्तों मात्र 66 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा थोड़ी स्पीड से चलते हैं। ये देखो दोस्तों मेरी बाइक में 30 किलोमीटर आ रहा है आजकल। भाई भाई ऑल इंडिया राइड पे हो, ऑल इंडिया राइड कर रहे हो? हाँ। तो तुमने कुछ लगाई नहीं रखा है बोर्ड वगैरह? बोर्ड तो नहीं लगाए हैं भाई। कहाँ से निकले हो? हम झारखंड से। अभी कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। हाँ, धक्का लगाना है थोड़ी दूर। धक्का लगाना है? धक्का? हाँ। चलो भाई की हेल्प करते हैं थोड़ी। यूट्यूब के लिए निकले हो? चैनल भी है। अच्छा, मेरा भी मन है यार, बट बजट नहीं है इतना। वीडियो डालिए चलेगा। मैंने सब डालता हूँ मैं। मैं यूट्यूबर का एक यूट्यूबर उसको मदद की है, देखिएगा भाई। मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ये सब, मैं दिखाता नहीं ज्यादातर, मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ, रिकॉर्ड बहुत कम करता हूँ मैं। आते हैं तो हम भी यूट्यूबर है इसलिए बोल रहे हैं, आपका व्यू आराम से चलेगा, देख लेना। तो भाई फाइनली मैं दोसा से सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर बचा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, तो करीबन 178 या 180 किलोमीटर कुछ मैं चला हूँ, जिसके बाद मैंने ब्रेक लिया। तो अभी यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे भाई के साथ में, तो हमारे भैया भी हमारे साथ में है, भैया भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हैं। बैठ जाओ भाई आराम से, कोई ठीक है भैया। क्या नाम भाई तुम्हारा? मेरा नाम है पतंग देहाते ब्लॉग, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। यही नाम है? हाँ। अच्छा, कैसे पतंग मेरा नाम है यार, देहात से हम ब्लॉग ऐसी ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, इसीलिए। तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, भाई को सपोर्ट करना है, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई साइकिल से ट्रैवल कर, साइकिल से ऑल इंडिया राइड कर रहा है, तो भाई को सपोर्ट करना। अभी फिलहाल के लिए हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, एंड देन आपसे मिलते हैं। तो चलो यार, भाइयों के साथ साथ बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें हो गई यार, लेट हो गई। तो भाइयों को मैं सोच रहा हूँ 15 किलोमीटर आगे दोस्त आए, तो इनका भी रुकने का जुगाड़ करते हैं थोड़ा सा, मैं भी रुक जाता हूँ वहीं पे और इनको कंटेंट के लिए थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। काफ़ी टाइम से ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे को दो चीज़ें मैंने, चलो इनको भी बता देते हैं। चलो थके हुए तो नहीं हो ना अभी?